कच्चे नारियल से आज हम बनाएंगे बेहतरीन, बहुत ही सुपर टेस्टी बर्फ़ी, और इसे हम 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। देखने में जितना ही खूबसूरत, खाने में उतना ही टेस्टी। मैं डॉली आपको अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ डॉली लाइफस्टाइल में, और आज हम नारियल की बर्फ़ी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग। तो फ्रेंड्स, एकदम हलवाई जैसा नारियल का बर्फी हम आज बनाएंगे, जिसे मुंह में रखते ही घुल जाएगा। खाने में बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस, ऐसा रेसिपी आपने कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही यम्मी है नारियल की बर्फी का ये जो हम बनाएंगे बर्फी। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कोकोनट्स। ये कच्चे नारियल हैं, आप चाहें तो यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके छिलके को पिल कर देंगे, ब्लैक पार्ट्स को हम जितना हो सके निकाल देंगे। आप नाइफ़ के साथ निकाल दें या फिर पोटैटो पीलर होता है उससे निकाल दें। तो ये देखिए, मैंने कुछ हद तक सभी नारियल को छिलके को, ब्लैक पार्ट्स को निकाल दिया है। तो ये देखिए, हमारे कुछ निकले हैं, कुछ नहीं निकले हैं, कोई बात नहीं, खाने में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, इससे हमारा टेस्ट ख़राब नहीं होगा। तो चलिए इसे हम ग्रेट कर लेते हैं ग्रेटर से, एकदम बारीक वाला ग्रेटर से। मैंने देखे यहाँ पे ग्रेट कर लिया है सारे नारियल को। तो ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना ही महीन इसे मैंने ग्रेट किया है। काफ़ी बारीक ग्रेट करना है, ताकि ये जैसे ही मुंह में रखें हम, हमारा जो बर्फ़ी है मुंह में घुल जाए, बहुत ही टेस्टी लगे। कभी कभी होता है कि हम बड़े ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं, जिससे टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो चलिए कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, इसे गरम करके इसमें हमने डाल दिया है सारे ग्रेट किए हुए कोकोनट्स, और इसे हम जब तक इसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए इसे, तब तक हमें इसे भूनना है। तो धीमी आंच पे ही हम इसे भूनेंगे, एकदम लो फ्लेम पे, इसका मॉइस्चर ख़त्म करने तक इसका हम भूनते रहेंगे। इससे थोड़ा सा हमारा नारियल कुक भी हो जाएगा, प्लस इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर जैसा मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जिससे हमारा नारियल का बर्फी काफ़ी दिनों तक चलता है। आप एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे तरह से ये मॉइस्चर इसका ख़त्म हो चुका है। ये बहुत ही मुलायम और डेसिकेटेड कोकोनट जैसे मार्केट में मिलता है वैसा हो गया है। तो अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी और वन एंड हाफ कटोरी मैंने यहाँ पे लिया है शुगर। तो इसे डाल के हम थोड़ा सा इसे शुगर को मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, हम अभी इसमें सिर्फ यही डाला है, तो अच्छे से यहाँ पे हम मेल्ट होने देंगे शुगर को। तो थोड़ा थोड़ा हमारा शुगर मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी के करीब दूध। तो यहाँ पे एक बात नोटिस करना है कि आप बॉयल दूध ही डालें इसमें, दूध अच्छे से पहले कुक कर ले, बॉयल कर ले, तभी इसमें डालें। तो ये देखिए, मैंने एक कटोरी दूध डाल दिया है, दूध से हमारा जो चीनी है वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, और अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक ये पैन ना छोड़े, एक जगह इकट्ठा ना हो सारा कोकोनट्स। तो यहाँ पे देखिए, 2 से 3 मिनट हो गया है, मैंने यहाँ पे इलायची के दाने को क्रश करके डाल दिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी इलायची यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको इलायची अच्छा नहीं लगता तो आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है, ये पैन भी छोड़ रहा है, और सब एक जगह बर्फ़ी जैसा कोकोनट से इकट्ठा भी हो रहा है। तो इस स्टेज पे हम यहाँ पे डाल देंगे करीब 1 चम्मच घी, जिससे फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। तो ये देखिए, 1 चम्मच घी डाल देंगे, उसके बाद हम 30 से 40 सेकेंड इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम हम कर देंगे ऑफ, और इसे हम कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा। घी डालने से हमारी बर्फ़ी में बहुत ही शाइनिंग आता है, तो हमारी बर्फ़ी बहुत शाइनी शाइनी लगेगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक प्लेट, आप चाहें तो बर्फ़ी ट्रे भी ले सकते हैं अगर आपके पास हो तो। तो यहाँ प्लेट ले लिया है मैंने, इसमें हम थोड़ा सा घी ग्रीस करेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा घी लिया है, और घी को चारों तरफ इस तरह से
फैला देंगे। उसके बाद हमने जो कोकोनट की बर्फी बनाया है उसे हम इस पर डाल के अच्छे से स्प्रेड करके चारों तरफ से चिकना कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड करके चिकना कर लिया है इसे एक साइड करके। तो एक घंटा मैंने इसे फ्रिज में रखा है, आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये सेट हो चुका है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे बर्फी शेप में। तो ये देखिए बर्फी शेप में हमारी नारियल की बर्फी हो गई है कट के रेडी। तो अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। इसे गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पिस्ता, आप चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट्स ड्राई नट्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम सभी पे थोड़े थोड़े पिस्ते रख देंगे जिससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये लीजिए डिलीशियस बर्फी की साथ सजावट भी हो चुकी है। आई होप आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और ये देखिए इसकी शाइनिंग बर्फी की बहुत ही अच्छा शाइन कर रहा है। लास्ट में मैंने जो घी डाला था उससे जो बर्फी का टेक्सचर और शाइनिंग बहुत ही अच्छा बढ़ गया है। तो आप भी घी डालिए लास्ट में, घी डालने से बहुत ही अच्छा शाइन करता है बर्फी। तो आपको मैं पास से दिखाती हूँ, है ना लाजवाब, देखने में भी सुंदर और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, किसी भी ओकेजन पे फटाफट बनाइए नारियल की बर्फी और सबको खिलाइए। तो आई होप आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे जल्दी मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।